So a very good morning all of you. Today we are starting with chapter 3 of a snapshot book and the name of a chapter is Ranga's Marriage by Masti Venkatesh Iyengar. So it is a very interesting chapter. All of you please listen carefully and enjoy this lesson. So Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city, Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they, what the type of they are. So जो है ना, of course जब भी कोई शहर से कोई बाहर से सपोज कोई भी आ जाता है, अभी अपने कोई अगर फॉरनर आ जाता है तो पूरा गाँव जो ऐसे लंगूरों की तरह ऐसे उसके पीछे हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब वी आर सो एक्साइटेड कि कोई, तो इसी तरह से जब एक गांव के अंदर कोई शहर से पढ़ लिख के चला जाता है तो ऐसे उनको लगता है कि पता नहीं क्या आ गया। अभी सपोज़ यहाँ पे कोई एक्ट्रेस आ जाए तो चाहे उसको मुंबई में कोई पूछे ही ना, यहाँ पे तो ऐसा हो जाएगा कि वो आया एंड एवरीबडी सेल्फी ये वो सो, तो ऐसा होता है। तो ऐसा ही हमारा जो मेन करेक्टर है रंगा, जो शहर से पढ़ के आया है, और सारे गांव वाले एक्चुअली में उससे प्रभावित होके नहीं, मतलब ऐसे ना उसकी कि वो क्या बदल गया, जैसे लगता है बस शहर जाने के बाद में तो वो अपनी जो रूट्स है उनको भूल ही जाएगा और वो पता नहीं क्या कुछ नया सीख के आ जाएगा, ऐसी धारणाएँ होती हैं। यस, वेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज, वाई नॉट रंगनाथा विवाहा और रंगनाथा विजया। Well, yes, I know I could never have used some other mouth-filling one like Jagannatha Vijaya or Girija Kalyana, but then this is not about Jagannatha's victory or Girija's wedding. It is about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. Hoshahali is our village. You must have heard of it. No, what a pity. But it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. Our own people to forget it about it, you know how it is. They are like flock of sheep. One sheep walks into the pit and the rest blindly follow it. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even a shadow of a village on any map. Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. It is in the state of Mysore to Bharatvarsha, what the sweet curry da boo. तो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, जो ऑथर है वो बहुत ही फनी वो बता रहा है, मतलब वो किसी की मैरिज के बारे में बात कर रहा है और वो उसको कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर भी प्रोनाउंस कर रहा है, उनके रियल नेम्स के साथ भी प्रोनाउंस कर रहा है। वो कह रहा है अगर मैं ऐसा नाम लिखता तो शायद वो अच्छा नहीं लगता, या मैं कहीं अपने जो टॉपिक है उससे मिसलीड कर लेता, और फिर वो बात करते करते अपने शहर पे आ जाता और वो सबसे पहले पूछ रहा है कि मैं मेरे गांव की बात करूँगा, होशाहाली, आपने नाम तो सुना ही होगा। फिर वो कह रहा है आपने भी कैसे सुना होगा, क्योंकि किसी भी ज्योग्राफी की बुक के अंदर ये नाम आया ही नहीं है, तो तुम लोगों ने भी कैसे सुना होगा, क्योंकि इंग्लिश मैन ने कभी इसके बारे में जिक्र किया ही नहीं है ना, और जब इंग्लिश मैन ने नहीं किया तो हमारे अपने लोगों ने तो क्या ही करेंगे। और वो कह रहा है कि हमारा गांव एक ऐसा गांव है जिसके लोगों को मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ है ना, हमेशा एक दिशा में चलती है ना, भेड़ चाल बोलते हैं अपन, एक मुहावरा भी है। तो इसी तरह से बोल रहा है कि अगर हमारे गांव में कोई एक आदमी जो है कुएं में गिरा तो सब के सब उसको फॉलो करेंगे, है ना, इतना वो फॉलोइंग वाला इतना वो ज़्यादा होता है वहाँ पर। अब वो वापस बता रहा है कि हमारा जो गाँव है मैसूर के अंदर है, एंड अब वो स्टार्ट कर रहा है अपनी, और एक स्वीट कारी ये क्या है, ये एक जो कारीगा डाबू, ये क्या है, ये एक स्वीट है ना, एक मिठाई है, मैसूर की फेमस मिठाई होगी। इज़ टू फेस्टिव मील देन होशाहाली इज़ टू मैसूर स्टेट, व्हाट अ फीलिंग ऑफ कारीगा डाबू, व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी आई विल नॉट ऑब्जेक्ट यू और योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, आई एम नॉट the only one who speaks glowingly of Hoshahali. We have a doctor in our place, his name is Gunda Bhatta. He agrees with me, he has been to quite a few places, no, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says no, Ananya, I have left that to you. Running around like a flea plastered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many. ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमारा जो गांव है, मैं ज़्यादा तारीफ़ ही नहीं करूँगा, वहाँ पे एक डॉक्टर भी है
है ना, और जब उस डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या तुम कभी, जिसने बहुत सारी जगह देखी, और जब कोई से पूछा तुम कभी इंग्लैंड गए हो, तो बहुत रिस्पेक्टफुली बोलता है कि नहीं, लेकिन उसने बहुत सारी जगहें देखी है। ये भी कहीं ना कहीं एक सटायर है जो आगे हमें पता चल जाएगा। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आर विलेज, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। वो कह रहा है कि हमारे गांव के अंदर बहुत सारे आम के पेड़ भी है, कभी हमारे गांव आओ तो मैं तुमको उनमें से एक कच्चा आम ज़रूर दूंगा। डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट, द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मा रंध्रा। ठीक है, और वो कह रहा है कि उसको तुम्हें खाना नहीं है, बस उसको टेस्ट करना, उसको जो खट्टाई है ना वो तुम्हारे दिमाग को एकदम अच्छे से खोल देगा, सब कुछ, तुम्हारी सारी इंद्रियां जो है खोल देगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड द चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, ऑल ऑफ अस एट इट, द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इट वॉज वेन आई वेंट टू कफ मेडिसन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। वो कह रहा है एक बार मैं एक ऐसा आम या जो केरी है वो घर ले गया था, और हमने उसकी चटनी बनाई, और उस चटनी खाने के बाद जो हमारी खांसी शुरू हुई, फिर तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ा, और उस डॉक्टर ने फिर मुझे उस फ्रूट की क्वालिटीज़ के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड द विलेज। जैसे हमारा मैंगो इतना स्पेशल है जिसको खा के सबको खांसी आ जाती है, वैसे ही हमारे पूरा गाँव जो है बहुत स्पेशल है, बहुत डिफरेंट है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, इट्स फ्लावर्स आर फीस्ट टू बीहोल्ड, get two leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say I am rambling, it's always like that when the subject of a village comes up, but enough, if any one of you would have to visit us, drop me a line, I will let you know where Husha Hali is and what things are like here. The best way of getting to know the place is to visit it, don't you agree? अब वो कह रहा है कि हमारे जो village pond है वहाँ पे एक क्रीपर उगा हुआ है जिसके बड़े बड़े पत्ते हैं, लोग पहले तो उसको नहाने के पानी में डालते हैं और फिर उसी पे खाना, मतलब उनको दोपहर के खाने की प्लेट्स वो काम करती हैं। तो हमारा इतना डिफरेंट विलेज है, और वो प्लस ये भी कह रहा है कि अगर आप कभी भी सोचते हो कि आप हुशा हाली आना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे लिख देना ताकि मैं आपको और डिटेल बता सकूँ कि वो कहाँ पर है। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not have much people who knew English then. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days, we did not speak in English, nor did we bring in English words like while talking. आप कह रहा है कि मैं आपके सामने 10 साल पहले की बात करूँगा, जब कोई अपने बच्चों को English नहीं पढ़ाता था, नहीं सिखाता था, हमारे गांव में किसी को इंग्लिश आती भी नहीं थी। हमारा जो अकाउंटेंट था गांव का, पहली बार उसी ने थोड़ी सी हिम्मत करके उसने अपने बेटे को बेंगलोर भेज दिया था पढ़ने के लिए, है ना। और आज तो जैसे बहुत से बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था, और इंग्लिश बात करने में तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। इन कन्नड़, व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव्स हाउस वेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। He asked the woman, how much should I give you? 4 paisa. She said, the boy told her that he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself, I do not know. Later when I went to Ranga's house and asked him, I understood what he meant. This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems, and come Ranga is here. Let's go and have a look. Ab wo keh raha hai ki jab accountant ka beta padhai karke ghar aaya aur unke ghar jo koi lakdi dene wali gayi और उससे पैसे पूछे तो उसने बोला 4 paise की लकड़ी है। तो उस लड़के ने बोला कि मेरे पास अभी चेंज नहीं है, कल आना। लेकिन उस औरत को तो चेंज का मतलब ही नहीं पता था, और वो पूरा गांव में घूम ली चेंज का मतलब पता करने के लिए, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। अल्टीमेटली जो ऑथर है उसको रंगा के घर जाना पड़ा चेंज का मतलब जानने के लिए, और फिर उसे चेंज के बहुत सारे मतलब जो पता चले उसको, जो इंग्लिश लैंग्वेज को हम कैसे कमोडिटी की तरह हम यूज़ करते हैं वो उसको वहाँ पता चला। अब गाँव के अंदर एक सनसनी फैल गई जब पता चला कि एक अंग्रेज़ी पढ़ा लिखा लड़का जो है गांव में आया है, और लोग उसको देखने के लिए उनके घर पे भीड़ लगी उस जाने के लिए। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There is no performing monkey here. अब वो कह रहा है मैंने जब भीड़ को देखा कि सारी भीड़ एक तरफ जा रही है तो मैं भी आ गया,
लेकिन मैं ऐसे देखते रह गए कि यहाँ पे मुझे लगा कोई बंदर का खेल हो रहा होगा, लेकिन कोई बंदर का खेल नहीं हो रहा था, तो सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेट लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन? अ यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। सीइंग सो मेनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्नड इनटू व्हाट पीपल कॉल ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। थैंक गॉड इट डिड नॉट। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी रंगा वॉज द सेम ही हैड बीन 6 months ago when he had first left a village. An old lady who was near him ran her hand over his chest and looked in his eyes and said, the Janevra is still there, he hasn't lost his caste, she went on. Soon after that Ranga laughed. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away just like the lump of sugar in child's mouth. I continued to stand there. After everyone had gone, I asked, how are you, Rangappa? Is everything well with you? I was only then that Ranga noticed me. He came near me and did a namaskara respectfully saying, I am all right with your blessings. I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly addressed people's worth. अब क्या है, सब लोग आ गए और सब लोग उसको देख रहे हैं। जैसे ही वो बाहर आया तो सब क्या 6 महीने हुए थे उसको गए हुए, ज़्यादा भी नहीं हुआ था, तो सब अब तो ये तो वैसा का वैसा ही, इसका तो चेहरा भी वैसा ही है, वैसे ही हाथ वैसे ही पैर। एक औरत जो उसके पास खड़ी थी उसने उसके सीने पे हाथ फेरा और उसने वो जो धागा था जनक वो भी पहन रखा था, तो बोलता कि हाँ इसने जात पात तो नहीं गवाई है, ये अभी भी अपनी जात में ही है। अब लोगों ने उसको देख लिया, तसल्ली हो गई, तो फटाफट वहाँ से चले गए। उनको लगा पता नहीं क्या चेंज करके आ गया होगा, क्या कुछ नया उसके अंदर। सब जाने के बाद में जो ऑथर है वो वहीं खड़ा रहा, रंगा ने उसको नोटिस किया और उसके साथ बात करनी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे ये हमें रंगा की एक और क्वालिटी बता रहा है कि उसको पता था उसको किससे क्या और किस तरीके से बात करनी है। रंगा ये जानता था, मतलब वो एक मैनर फुल पर्सन था, उसके अंदर मैनर्स थे। As for his namaskaram to me, he did not do that like any present day, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or walking stick. Nor did he merely fold his hands. He bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him after exchanging a few pleasantries left. वो कह रहा है कि जैसे आज के बच्चे नमस्कार करके एहसान करते हैं, ऐसा नमस्कार उसने नहीं करा। उसने नमस्कार के अंदर मेरे पैर भी छुए और उसने जो ऑथर उसने उसको क्या आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. A generous, considerate fellow, it would be fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. अब वो शाम को उनके घर आया और उनके लिए थोड़े से संतरे लेके आया। अब जो ये ऑथर है ये सोच रहा है कि एक अच्छा लड़का है, इसकी तो शादी हो जानी चाहिए ताकि ये यहीं पर रह जाए। एक अच्छा लड़का है, क्या काम करेगा। For a while we talked about this and then I came to a point, Rangappa, when do you plan to get married? अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम शादी करने का कब सोच रहे हो। कौन है जो ऑथर है वो पूछ रहा है रंगा से। आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड नाउ, ही सेड, वाई नॉट? वो कह रहा है लेकिन मेरा अभी शादी करने का कोई विचार नहीं है। और ऑथर पूछ रहा है क्यों, अभी क्यों नहीं है? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली विद ईच अदर। लेट्स से आई एम मैरिड टू वेरी यंग गर्ल, शी मे Take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love with Shakuntala. If she were young like the present day brides is there, what would have happened to Kalidasa's play? If one gets married, it should be a girl who is mature, otherwise one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. अब वो जो रंगा बोल रहा है कि नहीं अभी मैं शादी नहीं करूँगा, मेरे अभी एक ऑफिसर की शादी हुई है जो खुद 30 साल का था और उसकी वाइफ जो 26, तो एटलीस्ट उनको पता तो है ना हस्बैंड वाइफ के अंदर क्या बातें होनी चाहिए, एक वो समझ सकता है एक दूसरे को। और हमारे गांव में तो क्या बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं, तो मतलब लड़की को समझ में नहीं आता उसका हस्बैंड अगर उससे प्यार से बात करता तो उसको लगता है वो गुस्सा कर रहा है। और फिर वो कालिदासा के प्ले की एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर शकुंतला की बहुत छोटी एज के अंदर शादी कर दी जाती तो हाउ कुड वो उस दुष्यंत उसे कैसे प्यार करता और कैसे जो प्ले है इतना अच्छा वो बन पाता। इसलिए मैं अभी शादी करने का मेरा कोई भी विचार नहीं है। इज देयर एनी अदर रीज़न, वो बोल रहा है कि कोई और रीज़न तो नहीं है। ऑफकोर्स अब जब कोई शादी से मना करता तो हमारे दिमाग में बहुत सारे हम कयास लगा लेते हैं कि मे बी ही इज़ हैविंग एन अफेयर और समथिंग लाइक दैट। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस,
How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, so young that she doesn't even know how to bite her fingers? One of the neem fruit, other a bitter gourd. Exactly, Ranga said laughingly. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. अब वो पूछ रहा है कि और कोई तुम्हारे पसंद में, कोई नज़र में कोई लड़के, बोल रहे क्या लड़के, अभी तो सब बहुत छोटी है, मेरी भी एज नहीं है, तो अभी तो उनको मतलब उनको अपने मुंह से दूध हटाना भी नहीं आया ना, दूध पी के भी उसको लगा रहता है, तो ऐसी लड़की से क्या शादी करनी। और ये कह रहा है कि मैं तो जिसकी शादी, मुझे बहुत बुरा लगा ये सोच के कि मैं जिसकी शादी कराना चाहता हूँ वो बैचलर ही रहना चाहता है, लेकिन इसने भी ठान ली थी कि वो रंगा की शादी करवा कर ही रहेगा। रामाराव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him when she was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. अब रामाराव की भांजी उनके घर पे रहने के लिए आई थी और वो बड़े शहर से आई थी, तो उसको हारमोनियम बजाना भी आता था, उसको वीणा बजाना भी आता था। She also had a sweet voice. अब उसकी आवाज़ भी अच्छी थी। Both her parents had died and her uncle had brought her home. Ranga was just a boy for her and she the most suitable bride for him. अब जो author है उसका दिमाग में कहीं ना कहीं वो उसने match बनाना start कर दिया, उसके लिए Ranga was the most eligible bachelor for that girl, जिसके parents की death हो चुकी थी और उसके उसके मामा जो उसको रखने के लिए लाए थे। Since I was frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name, Ratna. It was the next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. Ratna came. It was Friday, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. I sent for Ranga. While she was singing the song Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. He stopped at the threshold. He did not want the singing to stop, but he was curious to see the singer. Carefully he peeped in. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up, seeing the stranger there, abruptly stopped. Suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly, savoring its peel before biting into its juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the food slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointed when the singing stopped. अब वो कह रहा है अगले दिन उसने रामाराव की वाइफ को बोला कि आप मेरे घर पे जो है छाछ जो है ना वो भेजना रत्ना के साथ, और क्योंकि वो रत्ना के घर अक्सर आता जाता था तो रत्ना भी उनके उसके साथ थोड़ी घुली मिली हुई थी। अब क्योंकि फ्राइडे था तो रत्ना ने हैवी साड़ी पहन रखी थी बिकॉज ऑफ सम पूजा पाठ एंड ऑल स्टफ, और वो उसके घर आई तो इसने इंसिस्ट किया तुम एक गाना गाओ, और जब वो गाना गाना स्टार्ट हुआ तो इसने फटाफट रंगा को बुलावा भेज दिया, और इसकी अब बहुत अच्छी आवाज़ थी। जब ये गाना गा रही थी उसी टाइम रंगा वहाँ आ गया, और वो अंदर नहीं आया, वो बाहर ही खड़ा हो गया क्योंकि इसकी इतनी मधुर आवाज़ सुन के वो उसको स्टॉप नहीं करना चाहता था। और ऑफकोर्स उसके अंदर एक एंथुजियाज़म थी कि इतनी अच्छी आवाज़ कितनी सुंदर लड़की की होगी, तो उस लड़की को कहीं ना कहीं देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही रत्ना को एहसास हुआ कि कोई स्ट्रेंजर है, उसने गाना बंद कर दिया। अब वो कह रहा है कि रंगा की सेम फीलिंग थी कि आपके पास एक बहुत ही जूसी फ्रूट है, आम है, और आप बड़े ध्यान ध्यान से पहले उसके छिलके चूस रहे हो कि अब मैं इसका फल आराम से खाऊँगा, और इतने में ही वो आम तुम्हारे हाथ से जो गिर जाता है तो कितना बुरा होता है। तो वही कंडीशन जो है वो रंगा की थी। You sent for me, he asked as he came in and sat on the chair. Ratna stood at a distance, her head lowered. Ranga repeatedly glanced at her. Once our eyes met and he looked very embarrassed. No one spoke for a while. अब जो है वो लड़की वहाँ खड़ी हो गई और ये चेयर पर आके बैठ गई, और बहुत देर तक ये बार बार उसको ऑब्जर्व कर रहा था, और एक बार जो ऑथर और इसकी आंखें भी आपस में टकरा गई तो ही फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड, और काफ़ी देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। It was coming in that stopped the singing. Let me leave. Words were words. The fellow said he would leave but did not make a move. How can one accept words to match actions in these days of Kali Yuga? अब वो क्या कह रहा है, रंगा फाइनली बहुत हिम्मत करके बोल रहा है कि बहुत अच्छा गाना चल रहा था, शायद मेरी वजह से रुक गया है, तो मैं चला जाता हूँ ताकि जो गाना है वो कंटिन्यू हो जाए। लेकिन वो कह रहा है कि इस कलयुग के अंदर जो हम करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है, तो कह तो बार बार आता कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन वो उठा ही नहीं, मतलब वो उठ के जाने के लिए तैयार ही नहीं था। शी ही वॉन्टेड टू लिसन टू हर वॉइस अगेन। रत्ना रैन आउटसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। आफ्टर अ व्हाइल रंगा आस्क्ड हू दैट गर्ल स्वामी।
who's that inside? The lion wanted to know, and he goat, who had taken shelter in the temple, replied, does it matter who am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you a male or a female? The lion fled the place in fear, it seems. Like the he goat, I said, what does it matter to us, either of us, who she is? I am already married and you aren't the marrying kind. अब जैसे ही वो उस लड़की के बारे में वो पूछ ही लिया अल्टीमेटली रंगा ने कि कौन थी ये स्वामी, तो वो स्वामी बोला क्या फ़र्क पड़ता है ना, क्या फ़र्क पड़ता है वो लड़की कौन थी, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको शादी करनी नहीं है, तो वो लड़की कौन थी, किसकी बेटी, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, फॉरगेट इट. वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज एंड मैरिड देन. हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर. अब वो कह रहा है कि वो बहुत एक्साइटमेंट, अच्छा इसका मतलब इसकी शादी नहीं हुई है, और वो एक्साइटमेंट जो है वो स्वामी ने कहीं भाप ली थी. शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, हिज फेस शिवर्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल. आफ्टर वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग, आई मस्ट गो, आई हैव अ वर्क एट होम. और ये स्वामी क्या उसके मजे लेने के लिए बोल रहा है कि इसकी शादी एक साल पहले हो गई, और अब जो रंगा का फेस है वो जैसे होता ना भुने हुए बैंगन के जैसा हो गया, और वो वहाँ से जाने के लिए उठ गया. I went to Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars, I'll come later. I tutored him in all that I wanted him to say. I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What is the matter? You seem to be lost in a thought. I said, nothing's wrong, believe me, headache. Come, let's go and see a doctor. अब स्वामी ने क्या करा, ये शास्त्री जो पंडित होगा उसके पास गया और उसको बोला कि अपनी जो जन्म कुंडली है उनको तैयार रखना, मैं कभी भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ, और उसको पहले ही सारी बात समझा दी तुमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसको रटा के आ गया. और फिर वो रंगा के पास आया तो रंगा उसको अभी भी उसी ख्यालों में लगा, तो बोल रहा है कि तुम मुझे बहुत खोए खोए से लग रहे हो, तो रंगा बोल रहा है नहीं कुछ नहीं है, तो उसको बोल रहा है अच्छा हेडेक है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाता हूँ. I have no headache. I am my usual self. I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. अब स्वामी तो उसके मजे लेने में उतारू हो चुका है, तो रंगा उसको बोला मेरे सिर दर्द नहीं है, मैं तो वैसा ही हूँ जैसा मैं था. तो वो कह रहा है कि मेरी भी ऐसी कंडीशन थी जब मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया गया था, लेकिन तुम्हारी तो ऐसी कंडीशन होनी नहीं चाहिए क्योंकि तुम तो शादी नहीं करना चाहते हो. रंगा स्टर्ड एट मी, वो ऑफकोर्स उसको घूर रहा है. कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट. वो कह रहा है चलो हम शास्त्री जी के पास चलते हैं, वो बता देंगे अभी तुम्हारे गुरु शनि किस दिशा के अंदर चल रहे हैं. रंगा अकंपनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट एज सून एज शास्त्री सॉ मी एक्सप्लेन, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो जा रहा था, वो शास्त्री जी तो पहले से तैयार थे, तो वो कह रहे अरे बहुत दिनों के बाद आए, बहुत दिनों से नहीं मिले ही हूँ, और वो जबकि मिले क्या थे थोड़ी देर पहले ही दोपहर में ही वो मिले थे. श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल. अब श्यामा आपको जो नरेटर है, स्वामी श्यामा, इसके बहुत सारे नाम जो इन्होंने हमें दे रखे. I got angry and shouted, what, only this morning Shastri completed my sentence, you finished all your work and now you are free to visit me. Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that I kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. और वो कह रहा है कि अरे अभी तो मिले थे, फिर उसने बात संभालते हुए कहा कि अरे काम खत्म करने के बाद अब हमारे पास फुर्सत है बात करने को, बोल रहा है कि अभी तो हमारा पूरा जो प्लान है वैसे खराब हो जाता है जैसे मैंने धूप में कुछ सुखाने के लिए रखा और वो एकदम से बर्स्ट हो जाए. टेक आउट योर फेरे फेरनेलिया, आर रंगापा सीम्स टू हैव समथिंग इन हिज माइंड, कैन यू टेल व्हाट्स वरिंग हिम, शैल वी पुट योर साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी टू टेस्ट. अब वो कह रहा है कि तुम अपने जितने भी तुम्हारे जो ज्ञान की किताबें एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं उनको निकालो, और मुझे लग रहा है कि रंगा कुछ किसी चीज़ से लेके टेंशन में है, तो देखो आज हम तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी और साइंस का टेस्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है भाई रंगा के साथ. देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, ही टुक आउट टू शीट्स ऑफ पेपर, सम काउरीज एंड अ बुक ऑफ पालमायरा लीव्स, सेइंग आस इज एन एंशियंट साइंस आइया, देयर इज अ स्टोरी टू इट बट आई वॉन्ट टेल यू that story now. This is called Hari Katha, which allows you to tell the story within the story. You may get bored. I'll tell it to you some other time. अब वो अपनी बुक्स निकालते हुए कह रहे हैं कि यह हमारी जो ज्ञान विद्या है, जो हस्तरेखा विद्या उसकी है, और इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं वो कहानी नहीं बताऊँगा क्योंकि इस कहानी के पीछे भी एक और कहानी है, तो अगर मैं इतनी लंबी कहानी सुनाऊँगा तो तुम बोर हो जाओगे, इसलिए मैं कहानी तुम्हें फिर कभी सुनाऊँगा. शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स एज फास्ट एज ही काउंटेड हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, व्हाट्स योर स्टार? रंगा डिडंट नो. नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड.
He did some more calculations before saying a serious tone. It is about a girl. अब क्या है वो फटाफट है ना खूब इंग्लियाँ पे कुछ गिन रहा है, उसके जो लिप्स है वो कंटिन्यूस मोनोटोनियसली वो चले जा रहे हैं और वो बोल रहा है कि तुम्हारा स्टार साइन क्या है। अब वो रंगा को पता नहीं था, बोले पता नहीं, वो कह रहा अच्छा रुको, वो फिर और गिनती गिनती करके और बोल रहा है कि ये सारा मैटर तो किसी लड़की का है, लड़की से रिलेटेड है भैया। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लैफ्टर ऑल दिस वाइल बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग। आई टर्न टू रंगा एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड। और वो कह रहा है मैं बहुत देर से आपको शास्त्री जितना अच्छा एक्टिंग कर रहा था उसको हंसी आ रही थी, स्वामी की उसी का प्लान था। कह रहा है मैं बहुत कोशिश करी मैं अपने हंसी को रोक सकूं, लेकिन जैसे उसने बोला इट्स अबाउट अ गर्ल मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया और मैं ज़ोर से हंस दिया। और बोल रहा है कि देख मैं यही तेरे को बोल रहा था कि इट्स ऑल अबाउट अ गर्ल। हु इज़ द गर्ल, इज़ योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क द क्वेश्चन। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग। शी प्रॉबली इज़ द नेम समथिंग फाउंड ऑफ द ओशन, कमला में भी। अब वो कह रहा है कि ये तो बताएगा नहीं, शास्त्री कोई पूछ लेता, स्वामी बोल रहा है कि ये तो बताएगा नहीं कौन लड़की है, तुम बता सकते हो कि कौन लड़की है। तो बोल रहे कि हाँ वो है ना समुद्र ओशन से रिलेटेड, शायद उसका नाम कमला हो सकता है। फिर वो और कह रहे हैं कुड इट बी पैची मॉस, बट द मॉस इट इज़ नॉट कमला, वाई नॉट अ पर्ल और अ रत्ना और द प्रेशियस स्टोन। और फिर वो बदलते हुए बात कह रहे हैं कि हाँ और ओशन के ऊपर जो मॉस होती है जो पैच होता है उससे भी रिलेटेड हो सकती है, ओशन से रिलेटेड है तो ओशन के अंदर हमें बहुत सारे प्रेशियस डायमंड्स मिल सकते हैं, उसका नाम रत्ना भी हो सकता है ना। वो आगे अल्टीमेटली नाम पे तो रत्ना। द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोसिएशन बियरिंग फ्रूट। अब वापस वो शुरू हो गया, स्वामी बोल रहा है कि रत्ना अरे रामा राव के घर पर जो लड़की है उसका नाम रत्ना ही है, तुम आगे बताओ क्या इनके बीच में कुछ हो सकता है तो हम बात चलाएं। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम। फिर शास्त्री सोचने का थोड़ा नाटक कर रहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। देर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस्ड है। अब वो रंगा एकदम से सरप्राइज है और कहीं ना कहीं एक खुशी की झलक भी उसके चेहरे पर है जो शास्त्री जो स्वामी जो ऑब्जर्व कर रहा है। आई डोंट नो ऑल दैट, देर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, आई ओनली टोल्ड यू दैट आर शास्त्रा इंडिकेटेड, शास्त्री सेड। वो कह रहा है कि हाँ वो भी हो सकती है लेकिन हमारे शास्त्रा के अंदर ऐसे ही आ रहा है कि जो भी लड़की होगी उसका नाम ऐसे रत्ना रिलेटेड ऐसा कोई नाम ही होगा, लड़की वो होगी या कोई और होगी ये मैं नहीं बता सकता हूँ। वी लेफ्ट द प्लेस ऑन द वे, वी पास्ड बाय रामा राव्स हाउस, रत्ना वो स्टैंडिंग एट द डोर, आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट सरप्राइजिंग, द गर्ल इज एन मैरिड इट सेम, समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैड टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, बट रंगप्पा आई कॉन्ट बिलीव You have been thinking of her, swear her name of Madhavacharya and tell me is it true what Shastri said। अब है ना जैसे वो उसके घर को क्रॉस करे तो रत्ना बाहर ही खड़ी थी और ये बोलता है स्वामी कि मैं दो मिनट अंदर जाके आता हूँ, अंदर जाके बाहर आके बोलता है अरे यार एक सरप्राइज़ हो गया, ये लड़की शादी नहीं हुई, मुझे तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया था कि इसकी शादी हो गई, ये तो अभी भी निंस्टर है, अभी भी इसकी स्पिंस्टर है, इसकी अभी भी शादी नहीं हुई है। और वो बोल रहे हैं कि तू सच बता कि जो वो शास्त्री ने कहा क्या वो सच है, डू यू रियली लाइक दिस गर्ल, क्या तुम्हारा हो सकता है कुछ ऐसा। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, आई सेड गो शास्त्री गेल यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, वॉट अ मार्वलस शास्त्रा योर्स इज, ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, what you are saying what you said to me was what I could have found out myself from the shastra, don't forget I developed on the hints you have given me, tell me is this what a decent man says। Rangappa had come on the other day to invite me for dinner, what's the occasion I asked, it's Shyama's birthday, he is there, it is not a nice name Shyama, I said I am like a dark piece of oil cake, why did you have to give that golden child your such name, what a childish couple you are Ratna and you, I know it is English custom of naming the child after someone you like, your wife is 8 months pregnant now, who is there to help your mother to cook, my sister has come for her, I went there for dinner, Shyama rushed to me when I walked in and put his arms round my legs, I kissed him on his cheek and placed the ring on his tiny little finger, allow me to take a leave of you reader, I am always here ready to serve you, you were not bored I hope। तो अब अल्टीमेटली उनके शादी भी हो गए और उनके बच्चे भी हो गए और रंगा ने अपने बच्चे का नाम भी जो है वो
श्यामा रख लिया है, और ऐसे करके जो स्टोरी है वो चली है. सो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द स्टोरी, अ वेरी फनी स्टोरी. सो विद दिस आई टेक यू लीव. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू.